सटीक अनुमानों से आपको लगातार अवगत कराते आए हैं, आपकी जानकारी बढ़ाते आए हैं, कई बार मेरी भी जानकारी बढ़ाते आए हैं। हम खुद सीखते हैं विजय जी से और शीतल जी से। तो विजय जी और शीतल जी, एक एक कॉमेंट छोटा छोटा, क्योंकि काउंटिंग अब शुरू हो गई है। विजय जी, आज सुबह कल शाम के बाद से कुछ बदला है आपके मन में या अभी भी वही है, जम्मू कश्मीर हरियाणा दोनों में लेके? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हरियाणा में तो कोई खास बदलाव दिख नहीं रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर में अब क्या एनसी कांग्रेस इतनी आगे पहुंच सकती है कि हंग असेंबली से आगे निकल जाए? इसके अलावा मुझे बहुत बदलाव नहीं लगता। जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो नॉन एनसी कांग्रेस और पीडीपी है, उसमें से ज़्यादातर लोग अब भी मुझे लगता है बीजेपी के साथ जाएंगे। राहुल गांधी के मन में क्या चल रहा होगा विजय? राहुल गांधी जी को तय करना कि ये फिर कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा झगड़ा नहीं हो, कोई नया सचिन पायलट, कोई नया ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार ना हो। ये बड़ी बात कह दी विजय जी ने कि अगर कांग्रेस हरियाणा में सरकार बना भी लेती है तो भी इस बात को लेकर चैन से नहीं बैठ सकती। शायद राहुल गांधी के मन में या हुड्डा जी के मन में ये चल रहा होगा कि कहीं कोई ऑपरेशन लोटस सरकार बनाने के बाद भी हरियाणा में शुरू ना हो जाए। शीतल जी, आपको क्या लग रहा है, एग्जिट पोल सही होंगे? एग्जिट पोल दिशा जो उन्होंने दिखाई है, मुझे लगता है वही नतीजों में आना चाहिए। दिशा के लेवल पे, संख्या के लेवल पे हमेशा फर्क आते रहते हैं, इस बार भी ऐसा होगा। ओके, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं हैं, एक होती तो फिर बात भी की जाती। ओके, लेकिन शीतल जी, हरियाणा में आप गए थे, हरियाणा आप जम्मू कश्मीर भी गए थे, तो आपका असेसमेंट, अगर मैं दोनों के बारे में अलग अलग पूछूं, कुछ सीटों के हिसाब से आप प्रोजेक्शन दे सकते हैं या मोटा मोटा? मुझे लगता है कांग्रेस को हरियाणा में 50 से कम सीटें नहीं मिलनी चाहिए, इतना सुरक्षित तौर पर कहा जा सकता है। और एनसी और कांग्रेस का अलायंस परसेंटेज ऑफ वोट्स में बीजेपी से बहुत आगे है कश्मीर में, लेकिन अब सीटों में वो कितना कन्वर्ज होगा ये अभी हम लोग देखेंगे। ओके, न्यूज 24 पर हरियाणा चुनाव के पहले रुझान, 4 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है, बहुत ही शुरुआती रुझान, क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हरियाणा में शुरू हुई है। जम्मू कश्मीर के रुझान भी बस आते ही होंगे। जम्मू कश्मीर थोड़ा सा स्लो है, लेकिन इतना बता दूं, आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती जम्मू कश्मीर में पहले ही हो चुकी है, लेकिन हरियाणा बहुत फास्ट, क्योंकि जाहिर है दिल्ली और नोएडा जहां फिल्म सिटी में हम लोग बैठे हुए हैं, सारे न्यूज चैनल के दफ्तर और स्टूडियो यही हैं, यहां से हरियाणा करीब है, इसीलिए हरियाणा के रुझान शायद जल्दी आ गए। 4 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है और बीजेपी, INLD, JJP, अदर्स, फिलहाल उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। आसिफ भी मुस्कुरा रहे हैं जब मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर दिल्ली से थोड़ा दूर है और हरियाणा यहां नोएडा से थोड़ा करीब है, इसीलिए हरियाणा के रुझान पहले आ गए। संजीव त्रिवेदी भी आज स्टूडियो में आ गए। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे निकल गई है, बिल्कुल शुरुआती रुझान न्यूज 24 पर। हरियाणा चुनाव के 6 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 0, INLD 0, JJP 0, अदर 0। यहां जम्मू कश्मीर के रुझान भी शुरू, 4 सीटों के रुझान आ गए, बीजेपी 2 सीटों पर आगे, जाहिर है दोनों सीटें जम्मू की होंगी, कांग्रेस और एनसी एक एक सीट पर आगे, 4 सीटों में से 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 एनसी, और कांग्रेस एनसी का गठबंधन है, इसीलिए आप 2-2 फिलहाल दोनों ने खाता खोला 2-2 के साथ। संजीव त्रिवेदी, क्विक कमेंट संजीव, आपके हिसाब से, क्योंकि आप हरियाणा और जेएनके दोनों गए थे, कॉफी एग्जिट पोल सही होंगे? संजीव देखिए, डरे डरे से हैं ये एग्जिट पोल, इतना तो कोई बिना एग्जिट पोल के भी बता सकता है जो एग्जिट पोल के जरिए बताया जा रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जेएनके में जो इलेक्शंस हुए हैं 370 के स्क्रैपिंग के बाद, ये हिस्टोरिक होंगे रिजल्ट्स, अपने आप में ये इतिहास रचेगा, और हरियाणा में बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है। ओके, कांग्रेस 7 सीटों पर हरियाणा में आगे निकल गई है, 7 सीटों के रुझान हमारे पास, हरियाणा में 90 सीटें हैं, याद रखिए 46 सीटों पर कांग्रेस सरकार बना सकती है, हरियाणा में कोई भी पार्टी सरकार बना सकती है 46 सीटों पर, हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें हैं, हालांकि वहां 5 मनोनीत सदस्य अगर जोड़ दिए जाए तो बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाता है, लेकिन फिलहाल हरियाणा पर नजर रखिए, बहुत तेजी से रुझान आ रहे हैं। हरियाणा में 10 साल की बीजेपी की सरकार है, 9.5 साल के बाद बीजेपी ने सीएम बदला, ऐसे में अब आखिरी 6 महीने में क्या नायब सिंह सैनी बीजेपी की सरकार में वापसी करवा पाएंगे? एग्जिट पोल कह रहे हैं नहीं, ये एग्जैक्ट पोल कह रहा है कांग्रेस शुरुआत में आगे, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे, बीजेपी 0, INLD और BSP का गठबंधन है। आप जानते ही हैं
जेजेपी और एएसपी आजाद समाज पार्टी का भी गठबंधन, का भी उनका भी गठबंधन, लेकिन उनका भी खाता नहीं खुला। कांग्रेस 10 पर आगे, कांग्रेस 10 सीटों पर आगे निकल गई। 10 सीटों पर कांग्रेस ने शुरुआती रुझानों में बढ़त बना ली है। अभी देखिए सिर्फ 8:07 हुए हैं, ये शुरुआती रुझान पोस्टल बैलेट के आए हैं। ईवीएम खुलेगी 8:30 के आसपास, लेकिन पोस्टल बैलेट विजय जी आमतौर पर माना जाता है रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, कुछ फौजी होते हैं, फौजी ज्यादा होते हैं उसमें, तो उनका ये भी अगर कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं क्या इशारा कर रहा है? एक तो जो चुनावों में अग्निवीर वाला जो मसला रहा था, पहलवान, जवान और किसान, तो वो यदि असर करता है तो उसका असर दिखाई देगा। ये कि भाई फौजी और जो सरकारी लोग हैं वो भी आज कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर एक बात मुझे याद आई, जब नतीजे तो जब शुरू होंगे तब होंगे, वाजपेयी जी कहा करते थे कि सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से कश्मीर के दिल की दूरी कम हो। हाँ समझे, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है सरकार किसी की बने, वो कहते थे कि दिल की और दिल्ली की दूरियां कम होनी चाहिए। हाँ। अब वो एक्सरसाइज कितनी होती है सरकार बनने से ज्यादा, जैसा अभी संजीव भी कह रहे थे कि वहां चुनाव हुए बड़े अच्छे से, लोगों ने रेस्पॉन्स किया, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। लोग निकल कर आए हैं ज्यादातर पार्टियां, अभी चुनावों से पहले तो हमें लग रहा था कि कुछ लोग बायकॉट करेंगे कुछ नहीं करेंगे, तो ये एक बड़ा बेहतर फैसला किया सभी लोगों ने कि चुनाव में हिस्सा लिया है। बिल्कुल सही बात है, और ये पूरे देश की जीत तो है, कश्मीर की भी जीत कही है इसे, सबसे बड़ी जीत तो कश्मीर जम्मू कश्मीर की है, क्योंकि वहां के लोगों को आखिरकार खुलकर बिना किसी बॉयकॉट के बिना किसी डर के अपना वोट डालने का अधिकार मिला है। वरना याद करिए जब भी पहले चुनाव होते थे बॉयकॉट का कॉल हुर्रियत और बहुत सारे दल दे देते थे, बहुत सारे लोग डर के घरों से वोट डालने निकलते नहीं थे। इस बार कोई बॉयकॉट का कॉल नहीं है, हुर्रियत के सारे नेता जेल में हैं, आतंकवादी या तो ऊपर हैं या फिर जेल की सलाखों के पीछे हैं, आप भी जानते हैं। ऐसे में खुलकर अगर जम्मू कश्मीर के लोग अपना वोट डाल पा रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ये पूरे देश की जीत है, जम्मू कश्मीर की जीत है। लेकिन चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी पता लगना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। यहां देखिए जम्मू कश्मीर में 7 सीटों के रुझान, बीजेपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 4 और कांग्रेस 1। ऊपर देखिए लेकिन हरियाणा में कांग्रेस पार्टी 12 सीटों पर आगे, बीजेपी 3 पर आगे है, 15 सीटों के रुझान मेरे पास हैं, 12 और 3 पोस्टल बैलेट में 12 और 3 का यह आंकड़ा शुरुआती 10 मिनट की गिनती में क्या इशारा करता है? संजीव कोई कमेंट? पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस आगे? देखिए पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और बहुत ज्यादा इससे आप कोई इंप्रेशन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। थिंग्स